हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं इंग्लिश इज़ द मेजर इशू फॉर ऑल, और डेफिनेटली अगर ये मेजर इशू है तो हमको इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो हेयर आई एम आकाश, आकाश जैन, मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए इंग्लिश बोलने का सबसे आसान तरीका। सो आर यू रेडी? चलिए, सो वेलकम टू द ड्रीमर्स इंग्लिश जोन। एज वी ऑल नो, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सबको इंग्लिश बोलनी है और हम बोलना चाहते हैं, बट फर्स्टली वी शुड नो, सबसे पहले हमको जानना चाहिए व्हाट इज द नीड ऑफ इंग्लिश। तो मैंने कुछ स्पेस फाइंड आउट किए हैं कि कहाँ हमें इंग्लिश की जरूरत पड़ती है, जिसमें सबसे पहला पार्ट आता है हायर एजुकेशन के लिए। जैसे ही हम ट्वेल्थ के बाद आगे की स्टडीज के लिए जाते हैं, वहाँ पे हमें इंग्लिश का बहुत ज़्यादा यूज आता है। सेकेंड पार्ट आता है फेसिंग इंटरव्यू। एवरी पर्सन हैव द प्लान टू डू द बिजनेस और जॉब, और जब आप जॉब्स के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। थर्ड प्लेस इज मेनी पर्सन हैव द प्लान टू विजिट फॉरेन, और डेफिनेटली वहाँ पर आपको इंग्लिश का यूज होएगा। एंड द फोर्थ प्लेस इज टू क्रिएट द वैल्यू इन सोसाइटी। अगर आप सोसाइटी में वैल्यू बनाना चाहते हैं, पढ़े लिखे लोगों के साथ बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो उसमें इंग्लिश एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। सो दीज आर आवर नीड्स, ये हमारी नीड्स हुई। अब देखते हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम, कि हमारी समस्या क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है जिस वजह से हम अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते। चलिए, तो फर्स्ट प्रॉब्लम में आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर कमी होती है थोड़े से कॉन्फिडेंस की। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम आती है लैक ऑफ नॉलेज, हमारे पास नॉलेज की भी कुछ कमी होती है जिस वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। थर्ड प्लेस इज लैक ऑफ ग्रामर, हम स्कूलों में पढ़ते तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉपर वे में हम ग्रामर का यूज नहीं सीख पाते। नेक्स्ट इज हेजिटेशन, हम सभी के अंदर हिंदी भी और इंग्लिश दोनों के लिए बहुत सारी हेजिटेशन होती है, और कहीं ना कहीं वी नेवर गेट द एटमोसफेयर, हमको इंग्लिश का माहौल नहीं मिलता। और उसके साथ साथ हमारे पास प्रॉब्लम होती है कुछ वर्ड्स की, तो लैक ऑफ वोकैबुलरी। सो दीज आर प्रॉब्लम्स, हमने नीड्स को जाना, हमने प्रॉब्लम्स को जाना, तो और आई थिंक आप सभी इसका सॉल्यूशन भी जानना चाहते हैं। तो आर यू एक्साइटेड, आर यू रेडी? चलिए, तो इसका सॉल्यूशन जानते हैं, और सॉल्यूशन के लिए हमारे पास है एक 4D फॉर्मूला। और मेरा मानना है अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो इंग्लिश के साथ हर फील्ड में आपको सफलता मिल सकती है, और गारंटी आप एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला। उस फॉर्मूले में हमें सबसे पहले होनी चाहिए हमारे अंदर एक डिजायर। क्या होनी चाहिए? डिजायर। अगर इच्छा है और उस डिजायर के साथ हम डिसीजन लेते हैं, एक फैसला लेते हैं, और उनको डिटर्मिनेशन के साथ यानी कि दृढ़ संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और कंप्लीट डेडिकेशन के साथ पूरा समर्पित होके अगर हम काम करते हैं तो रिजल्ट हमारे साथ होगा, और रिजल्ट उतने परसेंट होगा जितने परसेंट आप चाहते हैं, यानी कि 100% रिजल्ट। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारी जरूरत क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो बस जुड़े रहिए मेरे साथ, और आगे की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम छोटे छोटे टॉपिक के साथ अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और इंग्लिश के एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। तो बने रहिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।